सारे तो पहला फतेह अर्ज कर रहा वाहेगुरु जी का खालसा। नगर निवासी भैनों भरावो, तुहानू सारे नू पता ही है भी अपने ते बड़ा माड़ा समां आ के लंघिया। उम्मीदां अपनियां बहुत ज़्यादा सी, खैर उन्नियां तां ना हो सकन, पर जिहड़े थोड़ा भरा सुपने उलीक के गया, आपां कोशिश करांगे उन्हां दे नेड़े तेड़े ते लगांगे। जे तां आपां गल करिए घाटे दी, घाटा बयान करन तों शब्दां दे विच आपां मान ही नहीं सकते भी आपां किन्ना पिछे चले गए। पर थोड़े नाल वादा करदा जिंदगी दा जो कुछ भी बचे है थोड़ा बहुत जिन्ना भी आप इकट्ठा करके दोबारे कर सकते, आपकी पूरी वाह लाऊंगा कि थोड़े नाल जिवें सिद्धू चाहुंदा सी जो कुछ उहदे मन दे बलबले सी जां मेरे नाल सांझे करदा सी, आपां जे करांगे आपां वो करांगे। आपां इलैक्शन हारे भी, पर हारन तो बाद भी वो हताश तो होया एक बार, उस तो बाद दुबई गया, दुबई शो शू ला के आया दोबारे, मैनू समझाउण लग गया कहिंदा तुसीं दिमाग ते ना वजन पायो भी आपां इन्ना खर्च भी करता ते आपां हार भी गए, आपां इस तों बाद इलैक्शन ही लड़नी और आपां इलैक्शन लड़ना उहदे बराबर जरूर खड़ा करांगे। क्योंकि कुछ लोगों का वतीरा उन्हें नोट किया, वह हले कागज़ वर्गा कोरा सी, क्योंकि प्लस टू तक पढ़ता रहा, उन्होंने समाज कौन ताइया का भी पोलिटिक्स के चल रहा इन्ना उन्होंने ज्ञान नहीं सी, पर उन्हें इलैक्शन के जो कुछ देखा जोड़ा मौजूदा सिस्टम है उन्होंने शायद पूरा वधिया नहीं लग्या। वो भी यार लोग यकीन नहीं करते जी गल मैं कहना, मतलब असी थाइया तो जा निकी मोटी गली कूचियां ते खड़े हाले तक, वह चाहता सी भी मेथों ये घट्टो घट जे मंगण तां कोई कैंसर हस्पताल मंगण जां कोई कॉलेज मंगण यूनिवर्सिटी मंगण भी जिथों मेरे परिवार ते ला लो। मैं एक लेबर क्लास का बंदा, नीचे 40 साल मेरी माँ ने स्ट्रगल की, 30-35 साल मेरी लाइफ दे मैं पूरा ऐन घुलिया, पर पैर पूरे नहीं आए जब, पर जे गुरबत चो कढ़िया तो एजुकेशन ने कढ़िया। असी दोनों भरा हौली हौली गवर्नमेंट जॉब च आ गए, असी अगे आप जी अगली पीढ़ी नूं कोई बीटेक कोई इलैक्ट्रिकल कोई सारे पंज जवाक आ साडे, अज पंज इंजीनियर सीगे, चलो एक तां चला गया चार रह गए, नूहां पुत सारे इंजीनियर ने। यानी जे दशा परिवार की बदली तो एजुकेशन तो बदली, बाकी तो बंदा माड़ा खा के भी टाइम पास कर लेंदा, माड़ा हंडा के भी टाइम पास कर लेंदा, घट सहूलतों भी जिंदगी जूई जाती है, बंदा 100 AC भी जाता 100 फराटा पखा ला के भी जाता, वो तो आपू शरीर जिते मर्जी ला ली उत्थे लग जाए। पर वो ये मैसेज उन्हें इलैक्शन दौरान खूब दिता सारे, मैं भी उन्होंने कहना हूँ भी जिस हिसाब से तू बोली है ना आप वोट कौन पाऊगा, तू तो कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस के खिलाफ भी बोल जाने। यानी इन गलों का कोई लेना देना नहीं, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਿਆਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ तरक्की इन्नी ज़्यादा कर ली भी वो लोगों दी, लोग नहीं कह सकता मैं भी थोड़े जिहड़े वो ते कब्जा करना चाहते थे, कैरियर पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने अखां च रड़कन लग गया हौली 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 हौली। हुण जे तां अपने जो कोई नुक्स हुंदा आपां पुलिस लई जवाबदे हैं, आपां प्रशासन लई जवाबदे हैं, कोई बंदा जे कितें गलती लग जाए मेरे खिलाफ कंप्लेंट होवे मैं जाके अपना जवाब देवां उत्थे। हुण जिहड़ी पैरलल सरकार गैंगस्टर चला रहे ने और उन्हां कोले जाके कोई अपनियां की चुगलियां करी जांदा है, उन्हां कोले पक्ष किहदे कोले रखीए, इह कड़ा एक है, एक कोले जाके गोडे रगड़ लांगे फिर दूजा बंदूक लैके आजू, जे दूजे कोले वग जांगे फिर तीजा आजू,
किन्ने ग्रुप है की कुछ चली जाता है। ये भरा मारू जंग है भरावो, देखो ना कोई लीडर मरे ना कोई गैंगस्टर मरे, मरते की दे साडे आम घर जवान। असी अज हुण कल नू कह दूगा किसे नू मार के कोई असी सिद्धू का बदला ले लिया, फिर कल नू अज मिड्डू खेड़े का बदला ले लिया, कल नू किसे दा होर लै लैणगे। भाई तुसी आस च बदले क्यों नहीं लेंदे, साडे घर क्यों पड़दे हो? हुण मैं तुहानू किवें चीर के दिखावां, मेरे मेरी तां जाड़ी पटती है, मेरे कोले बचिया की है? यकीन मन्नो मैं आपदी जिंदगी लेबर करके स्टार्ट करी है। स्कूल टाइम दे विच मैनू कदे 125 रुपया फीस नहीं मिली, शुक्रवार तक स्कूल जांदा, शनिवार एतवार नू फैक्ट्री च बठल ढोंदा। यार वो तां किसे ने वेख्या नहीं, अज सिद्धू की चढ़ाई वेख ली, अज उहनू मारन तुरदे और 50-60 बंदे उन्होंने मारन ते लगे। साडे गल चित चेते, जे मैनू इन्ना ज्ञान होंदा भी इहनू इन्ने लोग मारन वाले फिरदे ने, मैं की वोटां चो लैणा सी, मैं की उहदे चो। वोटां दे विच भी अपने ते 8 बार हमला होया, 8 बार हाथ मिला मिला के गुर गए, पर सिक्योरिटी नेड़े होण करके उन्होंने जीआरई पिया भी ते फैर कर। ਮੈਨੂੰ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਭਰਾਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਤੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ, ਦੋ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸੀ 2 ਮੰਗਾ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਲਾਤਾ। 8 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਯੋਗਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮਾੜਾ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁੜੂਗੀ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਕ। ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕੁਛ ਭਾਵ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।